हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बाला किला, बाला फोर्ट, जो बाला किला या बाला फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो फोर्ट है ये पहाड़ी पे है। गेट से और पहाड़ी के 5 किलोमीटर रास्ता है, 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। ये देखिए सामने हमारे गेट आ रहा है, ये अभी इस प्लेस का पहला गेट आ रहा है। ऐसे इसमें 2-3 गेट और आएंगे। ये जयपाल गेट है, ये उस टाइम का बड़ा स्ट्रांग गेट है, 14th सेंचुरी का फोर्ट है ये। ये सामने देखिए, ये बैक से देख रहा हूँ मैं अभी, ये सामने बाउंड्री वॉल दिख रही है। ये बाउंड्री वॉल पूरे फोर्ट के चारों ओर है, करीब करीब मेरे ख्याल से 13 किलोमीटर की है ये। और ये राजस्थान कुंभलगढ़ के बाद सबसे बड़ी बाउंड्री वॉल यही है। ये देखिए सामने, ये हंटिंग लॉज बने होते पहले, जब पहले हंट्स करते थे, जानवरों को मारते थे, उस टाइम के हंटिंग लॉज है। ये सामने जंगलों में शिकार करने के लिए ये हंटिंग लॉज है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सामने देखिए छोटा सा शांबर का बच्चा है, इसका साथी कहीं आसपास ही होगा। जंगलों में बहुत सारे पॉट है पानी के, यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। और देखिए सामने शांबर अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये भी सब जानवर मिलते हैं रोडों पर बड़े। इन जंगली जानवरों को डेली मिलना जुलना होता है इंसानों से, इसलिए ये लोग डरते नहीं, अपनी मस्ती से चलते कहीं भी घूमते रहते हैं। ये लोग नीचे गेट पे भी देखे मैंने, 2-4 फ्रेंकली इंसानों के साथ वहाँ पे खड़े हैं। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं जंगल में क्या मिलता है। ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये बाला किला फोर्ट है। बाद में हम यहीं जाएंगे, अभी पहले हम जंगल के रास्ते कुछ और देखेंगे, फिर देखते हैं कि बाला फोर्ट में क्या क्या दिखता है। तो चलिए, जैसे देखिए सामने एक सांबर रोड पे ही घूम रहा है, वो देखिए कोई टेंशन नहीं उसको। जंगल में आपको वाटर पॉट बहुत मिलेंगे, ये सब डोनेट किए हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं जयबिलास पैलेस। ये अपने टाइम में एक बहुत बड़ा पैलेस था, महाराजा यहाँ पर रहते थे। अभी पैलेस पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि इसमें जो कुछ लगे होंगे वो टूट गए और सब तोड़े गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब हम पहुंच गए हैं सूरज कुंड। इस कुंड का नाम है सूरज कुंड, और महाराजा जब पैलेस वगैरह में इसी का इस पानी स्टोरेज करके पीते थे, क्योंकि पहाड़ी के एरिया में पानी स्टोरेज करना ही बड़ा, मतलब वो बहुत कठिन काम था। ये देखिए, नहीं तो पानी के बड़े शॉर्टेज रहते थे यहाँ पर। ये सब कुंड जो है ना, ये इसका पानी यूज़ करते थे पैलेस के लिए, लेकिन अभी तो ड्राई हो रखा क्योंकि पानी कम हुआ, बारिश ही नहीं हुई इस साल, तो इसलिए सूखा पड़ा हुआ है। फिर भी जो नीचे से छोटा सा तालाब दिख रहा है उसमें 15 फीट पानी अभी भी है, वैसे जानवर आते हैं वहाँ पे पानी पीते हैं। चले हम आगे की ओर। ये देखिए हम जा रहे हैं बाउंड्री वॉल की तरफ, सीढ़ी चढ़ के देखिए, छोटी छोटी सी सीढ़ी है यहाँ पर, पूरी घास है। अब पहुँचे हम पूरी सीढ़ी के ऊपर, यहाँ से देखते हैं क्या नज़ारा है। ये देखिए उस टाइम का कितना चौड़ा इस बना रखा है लोगों ने, वॉल बहुत बड़ी चौड़ी है। वो सामने जो गेट दिख रहा है, हम पहले वहीं से एंटर हुए थे, जयपाल गेट। हम अभी पूरे बाउंड्री वॉल के टॉप में हैं अभी। ये देख, सही है ना, मस्त नज़ारा यहाँ से। अभी सामने जो सारी धुंध पड़ी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम आज फॉग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है सिर्फ कुछ टाइम के लिए। अब ये देखिए हमारे नीचे से 2-4 साथी और भी आ रहे हैं ऊपर देखने के लिए। यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। अब हम चल रहे हैं वापसी की ओर। देखिए सीढ़ियों पे कैसी घास जमी है, अभी देखिए छोटी छोटी सीढ़ी है, वापस जाने के लिए तैयारी है हमारी। अब चलते हैं थोड़ी पैलेस की ओर, छोटी सीढ़ी से क्रॉस करना पड़ता है, केयरफुली चलना पड़ता है। यहाँ आने के लिए बेस्ट ऑप्शन है नीचे से जीप ले लो, क्योंकि अपनी गाड़ी से सिर्फ आप फोर्ट तक आ सकते हो और फोर्ट से नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीप ले ली है तो आप जीप से बहुत सारे अंदर पॉइंट देख सकते हैं और मस्ती होकर आप पूरे जंगल घूम सकते हैं। और आपका 2-3 घंटे में आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा। ये देखिए अब जीप वाले भाई साहब, हम चलते हैं फोर्ट की ओर, फोर्ट देखते हैं। अब हम फोर्ट पहुँचने वाले हैं। अब देख, ये सामने गेट आ गया फोर्ट का, ये लोग एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए फोर्ट, फोर्ट छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर अपने हिसाब से ठीक ठाक है। उस टाइम का पहाड़ी पे बना फोर्ट है, 14th-15th सेंचुरी का फोर्ट है। आप इसके अंदर जाओगे तो वाकई में मज़ा आएगा।
इस एरिया में बहुत सारी फॉल्ट है। ये देखिए सामने कबूतर, कबूतरों का झुंड है। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है, वाह। ये देखिए उस टाइम के सारे जो यूज होते थे गन्स और हॉर्स राइड को और कैमल राइड सब यूज करते थे उस टाइम। सो फ्रेंड्स, वीकेंड ट्रिप के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। दो दिन आप यहाँ पे से गुजार सकते हैं, एक दिन सिरिस्का जंगल में और एक दिन यहाँ पे। तो ये जगह भी मेरे को अच्छी लगी है वीकेंड ट्रिप के लिए। ये देखिए उस टाइम के फोर्ट बने हुए हैं, कितनी नकाशी करते थे उस टाइम। उस टाइम भी टेक्निक बहुत अच्छी यूज करते थे लोग, उस टाइम भी माइंड, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया इसलिए सब मशीनों से बनता है, लेकिन उस टाइम देखो क्या माइंड यूज़ किया होगा लोगों ने। बड़े पक्के मकान हैं, जल्दी से टूटते भी नहीं हैं, इनको तोड़ने के लिए भी बड़े बड़े हार्डवर्क करना पड़ता है। ये देखिए सामने इसमें लॉक लगा रखा है, मैंने इनको देखा, ये जो छज्जा बना हुआ है उस टाइम लोहे के कुछ पत्तियाँ होती थी उसमें लॉक लगी हुई है कि टूटे ना, आपस में जॉइंट रहे। ये देखिए मैं सेकेंड फ्लोर पर आ रखा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर आ रखा हूँ, तीन स्टोरी का बिल्डिंग है ये। देखिए उस टाइम मैं दिखाता हूँ आपको टेरेस का व्यू, ये लास्ट फ्लोर है, फ्लोर की छत ही है। यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा दिखता है, लेकिन अभी हर जगह फॉग दिख रहा है, पूरा धुंध पड़ी हुई है। आज बहुत ज़्यादा धुंध थी इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। छत पे देखे सब टूरिस्ट अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग आते हैं यहाँ पे मस्त होकर फोटोग्राफी या देखते हैं और अब चले जाते हैं। ये देखिए लोग फोटोग्राफी पे लगे हैं मस्त करके, पूरा ग्रुप आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से देखे मैंने यहाँ पे टूरिस्ट। ये देखिए पैलेस का व्यू देखिए, मैं दूसरी साइड का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। इस सीढ़ी से उतरते हुए बोट देखिए उस टाइम के दरवाजे भी कैसे थे, सीढ़ियाँ देखो कितनी मस्त बना रखी है, पूरे पत्थरों की सीढ़ी है उस टाइम का। देख पब्लिक ऊपर नीचे जा रही है, सब टूरिस्ट देख रहे हैं। ये देखिए व्यू, ये बालकनी है साइड की, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, लेकिन अभी धुंध के चक्कर में नहीं दिखी। पूरे दीवार पर देखो कितनी बढ़िया मस्त चित्रकारी कर रखी है, अभी बहुत सारी पेंटिंग तो झड़ गई है, मतलब निकल चुकी है दीवार से। ये देखिए ऊपर से पैलेस का व्यू दिख रहा है, ये सामने एक पुलिस का जीप सी रहती है यहाँ पे हर समय, ये टूरिस्ट अपने फोटोग्राफी करके आते और जाते हैं, घूम फिर के निकल जाते हैं। ये देखिए क्या डिज़ाइनिंग कर रखी है दीवारों की, अभी भी कुछ पेंटिंग बची हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ से दर्शन हो गए हैं, पैलेस विजिट हो गया, अब चलते हैं हम वापसी की ओर चल पड़े। अब हमारी जीप चली नीचे की ओर, टाइम ओवर हो गया, 3 घंटे हो गए घूमते घूमते। 3 घंटे में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, बहुत मज़ा आ गया घूमने में। अब देखते हैं जंगली में वापस में जाते क्या क्या मिलता है। सिंगल रोड है यहाँ पे, यहाँ पे जीप से आने में बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये देखिए लास्ट सांबर मिला है, मैं भी रोड पे घूम रहे हैं। ये देखिए सनसेट हो रहा है, क्या मस्त व्यू है यहाँ सनसेट का। दोस्तों अब हम कुछ गेट पे पहुंचने वाले, ये देखिए सामने गेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद।